नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस समय की बड़ी खबर लेकर आए हैं। बंगाल में अब आसान नहीं रह गई है बीजेपी की राह, 18 से घटकर 8 पर भी आ सकती है भगवा पार्टी। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी अब यहां बंगाल से बाहर निकलने की सोचने में लग गई है, क्योंकि अब भगवा पार्टी तेलंगाना और केरल जैसे नए ठिकानों की तलाश कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अपनी स्थिति में सुधार लाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है टीएमसी पार्टी की चीफ और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, जो कि अब इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी, सीताराम येचुरी के साथ एक मंच पर देखा गया था 18 जुलाई को हुई बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में। गौर करने वाली बात यह है कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का विश्लेषण करें, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, 2019 में भाजपा द्वारा जीती गई 14 संसदीय सीटें ऐसी हैं जहां विपक्षी गठबंधन, जो कि अब इंडिया है, को कुल मिले वोट बीजेपी उम्मीदवारों से अधिक थे। हालांकि तब विपक्ष ने अपने उम्मीदवार अलग अलग उतारे थे, इसलिए बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट है, इंडिया गठबंधन बन चुका है, जिससे बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है और उसका आंकड़ा अब यहां पर 18 से घटकर 8 भी पहुंच सकता है। दोस्तों, खबर को लेकर दोस्तों अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।